नमस्कार, मिड डे प्राइम के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले इस वक्त की तमाम ताजा तरीन सुर्खियों के साथ। एनडीए सरकार में विभागों के बंटवारे के बाद मोदी कैबिनेट का वर्क मोड ऑन। डॉक्टर एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मनोहर लाल, भूपेंद्र यादव, किरण रिजिजू समेत तमाम मंत्रियों ने संभाला पदभार। प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने का लिया संकल्प। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पीएम मोदी का आह्वान। योग दिवस से पहले साझा किए योग के वीडियो। नियमित योग के जरिए स्वस्थ जीवन जीने देने की दी प्रेरणा। योग को बताया दुनिया भर के लोगों को एकजुट करने का माध्यम। आंध्र प्रदेश में टीडीपी, जनसेना और बीजेपी गठबंधन ने चंद्रबाबू नायडू को चुना नेता। एनडीए दल राज्यपाल को आज सौंपेगा समर्थन का प्रस्ताव। शपथ ग्रहण कल। ओडिशा में बीजेपी का परचम लहराने के बाद सीएम के नाम पर मंथन। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में भाजपा विधायक दल की बैठक आज। नए मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मुहर। आंध्र प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी समेत कुछ अधिकारियों पर लगे गंभीर आरोप। टीडीपी विधायक रघुराम कृष्णम राजू ने हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में दर्ज कराई शिकायत। नीट यूजी की परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट का काउंसलिंग पर रोक से इनकार। एनटीए को जारी किया नोटिस। 8 जुलाई को अगली सुनवाई। और भारतीय टेनिस खिलाड़ियों रोहन बोपन्ना और सुमित नागल ने एटीपी रैंकिंग्स के आधार पर पेरिस ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। रोहन बोपन्ना ने डबल्स और सुमित नागल ने सिंगल्स में हासिल किया कोटा। और सभी खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। सोमवार को विभागों के बंटवारे के बाद आज से मोदी 3.0 की सरकार पूरी वर्क मोड में दिख रही है। सुबह से ही कई मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल ली है और इसी कड़ी में डॉक्टर एस जयशंकर ने आज एक बार फिर विदेश मंत्री के रूप में पदभार संभाला। पदभार संभालने से पहले उन्होंने कहा कि बीते सालों में मंत्रालय के कार्य से सभी संतुष्ट हैं और आगे भी ऐसे ही कार्य जारी रहेंगे। I really deem it a matter of great satisfaction that in the last decade this ministry under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has become a very people centric ministry. You can see that in terms of our improved passport services, in terms of the community welfare fund support that we give to Indians abroad, in terms of how we respond to different needs of Indians when they leave our shores or preparing to leave our shores, and the manner in which we work with other ministries in getting investments, in promoting our exports, in enhancing our tourism flows. So this has been the record so far. Looking ahead, definitely I think the two axioms that the Prime Minister has given us, Bharat First and Vasudhaiva Kutumbakam, these will be the two guiding axioms of the Indian foreign policy. और वहीं अश्विनी वैष्णव ने भी सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ने एक बार फिर आशीर्वाद देकर देश की सेवा का मौका दिया है। दस साल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की
आर्थिक ताकत को 11वें स्थान से 5वें स्थान पर लाएं, जन जन के जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लाएं, इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो आशीर्वाद दिया है जनता ने मोदी जी को, उस आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए उसी भावना के साथ, जनता की सेवा की भावना के साथ काम करें। और वहीं एक बार फिर मोदी 3.0 में अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, लिहाजा उन्होंने आज रेल मंत्री के तौर पर भी रेल भवन में अपना पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन को सरजमी पर लाने में रेल मंत्रालय बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। और वहीं जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के तौर पर पदभार संभाला। लगातार तमाम मंत्री पदभार संभालते हुए, और इसी कड़ी में केंद्र में कृषि मंत्री की जिम्मेदारी इस बार शिवराज सिंह चौहान को दी गई है। नए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, उन्होंने भी पदभार ग्रहण किया। वहीं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री के तौर पर पदभार संभाला। हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के तौर पर उन्होंने आज कार्यभार संभाला। पिछली सरकार में भी वो ये मंत्री का पद संभाल चुके थे। और इस सबके बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कपड़ा मंत्री के तौर पर अपना पदभार संभाला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। टेक्सटाइल मिनिस्टर के तौर पर गिरिराज सिंह। और वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने विद्युत मंत्री का पदभार संभाला, बिजली मंत्री का पदभार संभाला। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार मंत्री का पदभार संभाला। तमाम मंत्री लगातार एक्शन मोड में। और इस सबके बीच डॉक्टर एल मुरुगन ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर पदभार संभाला। उन्होंने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर एल मुरुगन सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री के तौर पर टेकिंग चार्ज एज एन आईएनबी एमओएस मिनिस्टर, सो दिस सेकंड टाइम आई एम टेकिंग चार्ज हियर, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एक्सप्रेस माय सिंसियर थैंक्स एंड माय ग्रेटिट्यूड टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी टू गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व अगेन इन दिस मिनिस्ट्री। और मोदी 3.0 के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने जल शक्ति मंत्रालय में अपना कार्यभार संभाला। कार्यभार संभालते ही केंद्रीय मंत्री ने राज्य मंत्री और विभाग के अधिकारियों के साथ अपनी पहली बैठक की। वहीं अर्जुन राम मेघवाल ने विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर पदभार संभाला। अर्जुन राम मेघवाल इससे पहले भी विधि एवं न्याय मंत्रालय संभाल चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस मंत्रालय को संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वो इसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा की बहुत महत्वपूर्ण और अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, मैं इसमें खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। जो प्रधानमंत्री जी
की प्राथमिकताएं हैं, विकसित भारत बनाने की, उसमें विधि और न्याय मंत्रालय का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा, ऐसा मैं मानता हूं और ऐसा मुझे लगता भी है। और वहीं चिराग पासवान ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के मंत्री के तौर पर पदभार संभाला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएंगे। ये एक ऐसा विभाग है जो सीधा किसानों को मदद पहुंचाने का काम करेगा, जो किसानों की आय को बढ़ाने का काम करेगा, जिस लक्ष्य के साथ हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। कृषि प्रधान देश है हमारा, और ऐसे में मेरा खुद का विजन, जिसमें मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए ताकि किसानों को उनके उत्पादन का उचित दाम मिल सके, उनके आय में वृद्धि हो सके। और वहीं सुरेश गोपी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में बतौर राज्य मंत्री अपना पदभार ग्रहण किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मेरे लिए सब कुछ नया है, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नया है ये मिनिस्ट्री, मैंने I was not expecting this ministry, so it's a huge responsibility. So I have to definitely look into the prospects at which my Prime Minister is looking forward to, and what kind of a load he's put on my Minister Puriji. So after going through all those the content of the next level of emerging petroleum systems in India, after learning it properly, maybe I will be able to put in my contribution. तो सुरेश गोपी को आप सुन रहे थे, उन्होंने अपना पदभार संभाले। और सबके बीच भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के रूप में आज कार्यभार संभाल लिया है। भूपेंद्र यादव ने पदभार ग्रहण किए जाने के लिए आभार व्यक्त किया प्रधानमंत्री का, और देशवासियों से पीएम मोदी के अभियान एक पेड़ मां के नाम से जुड़ने की अपील की। मैं सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें प्रदान करी है। इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक पेड़ मां के नाम, जिस तरह का जलवायु, तापमान, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के चैलेंजेस, डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड के चैलेंजेस जो हैं, उसके लिए एक पेड़ मां के नाम, सभी एक पेड़ अपनी मां के साथ जाकर के जरूर लगाएं, उनकी स्मृति ना हो तो स्मृति में लगाएं, लेकिन धरती मां को हरा भरा बनाने के लिए इसको जिम्मेदारी के साथ करें। और मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाला। पदभार संभालने के लिए वे नॉर्थ ब्लॉक स्थित मंत्रालय के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वो अपने काम को निष्ठापूर्वक करेंगे। Thank the Honorable Prime Minister for having reposed his confidence in all of us once again. And as you said, this will be a continuity of the work that has been done over the last 10 years during the two terms. And sitting as we are over here in the Department of DOPT, you would appreciate that the last 10 years have witnessed a series of revolutionary governance reforms happening under the guidance of Prime Minister Modi, which were basically inspired by the spirit of minimum government, maximum governance, and increasing citizen centricity to bring ease of living for each and every citizen of this country. और वहीं जयंत चौधरी ने कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर अपना पदभार संभाला। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वो उसी उत्साह के साथ काम करेंगे जिस उत्साह से प्रधानमंत्री करते हैं।
हमारे देश की औसत आयु 29 वर्ष है, बल्कि उससे भी कम है। तो 29 वर्ष के भारत के सपनों की, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये माध्यम है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट इसे कहा जा सकता है। इसलिए बहुत मुझे खुशी है कि उनके साथ, उनके सानिध्य के साथ मिलकर काम मुझे करना है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जो एनर्जी प्रधानमंत्री की है, उसी एनर्जी के साथ, मोटिवेशन के साथ हम लोग काम करें। और वहीं किरेन रिजिजू ने संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया। संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर किरेन रिजिजू ने अपना पदभार आज ग्रहण किया, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो संसदीय कार्य मंत्री बने किरेन रिजिजू। वहीं जितिन प्रसाद ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के तौर पर अपना पदभार संभाला। उन्होंने कहा कि आज के वक्त में आईटी सबसे अहम है, ऐसे में मेरे लिए जिम्मेदारी काफी अहम है। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझको दी है, और ये जो विभाग है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का, ये हम लोगों के लिए, आज के युग के लिए बहुत महत्व रखता है, खासतौर से नौजवान पीढ़ी के लिए। और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और उनका जो भारत के प्रति 10 वर्ष का उनका कार्यकाल रहा है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको आगे और बढ़ाने में मुझे भी उस टीम में स्थान मिला है, ये मेरे लिए सौभाग्य बात है। और वहीं अमित शाह ने एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर अपना पदभार संभाला। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्री के तौर पर आज अपना पदभार ग्रहण किया, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री। और वहीं प्रताप राव गणपत राव जाधव ने स्वास्थ्य राज्य मंत्री के तौर पर पदभार संभाला। तो लगातार जो मंत्री हैं वो अपना पदभार संभाल रहे हैं, और जैसा कि हमने कहा कि जो केंद्र की सरकार है, एनडीए सरकार, मोदी सरकार 3.0 बहुत ही एक्शन मोड में है। लगातार जो तमाम जो मंत्री हैं वो अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, लगातार हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो हमारे तमाम जो मंत्री हैं वो लगातार पदभार संभाल रहे हैं, और हम ये कह सकते हैं कि आज से ही एक्शन मोड में, क्योंकि जो कई मंत्री हैं वो अपने विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी ले रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपना कार्यभार संभालने के बाद हमने देखा कि तुरंत ही कुछ क्षणों में किसानों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया था, और कल जब कैबिनेट हुई तब 3 करोड़ जो नए घर बनाने हैं उसको मंजूरी दी गई पीएम आवास योजना के तहत। और ये कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा था कि जल्दी से जल्दी सारे मंत्री अपना कार्यभार ग्रहण कर ले और 100 दिन के एजेंडे पर तेजी से लग जाए। हम देख रहे हैं कि आज सुबह 8 बजे से ही आप तस्वीरें देख रहे हैं कि अलग अलग मंत्रालयों के मंत्री कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं। तो दरअसल ये स्पीड दिखाता है मोदी सरकार का कि वो तेज रफ्तार से काम करना चाहती है, त्वरित फैसले लेना चाहती है, और कोई देरी कामकाज में नहीं हो ये सुनिश्चित करना चाहती है। हमने देखा है कि पूरी कार्य संस्कृति बदली है। 2014 में जब पहली बार पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार सत्ता में आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, तब से लेकर अब तक अगर आप देखें तो पूरी कार्य संस्कृति केंद्र सरकार की, विभिन्न मंत्रालयों की बदल सी गई है। अब हम उसमें एक तेजी देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी, वो लगातार इस बात को कहते भी रहते हैं कि किसी भी मंत्री के टेबल पर फाइल ज्यादा समय तक रुकनी नहीं चाहिए, यानी बहुत तेजी से फैसले हो, उनका क्रियान्वयन हो। तो ये आज एक झलक उसकी देखने को मिलती है। जब हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री बनाए गए हैं, आज उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है, लेकिन अनौपचारिक बैठक कल ही उन्होंने अधिकारियों के साथ ले ली थी शाम को, जैसे ही विभाग का बंटवारा हुआ। तो ये दिखाता है कि कितनी तेजी से मोदी सरकार, जो तीसरी बार लगातार सत्ता में आई है एनडीए की सरकार, वो काम कर रही है और तमाम अहम फैसले ले रही है। ऐसे में शैलेंद्र, अगर जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा और सभी लोग कह रहे हैं कि
100 दिनों का एजेंडा तमाम मंत्रालयों ने सेट किया है और सेट करने की बात कही गई है। ऐसे में तमाम मंत्रालयों की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो 100 दिनों का एजेंडा तय किया गया है, क्या कुछ प्रायोरिटी रहेगी? क्योंकि हमने देखा कि कल ही किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि का जो आवंटन किया गया है, इससे एक ये तो पता चल रहा है कि किसानों के लिए समर्पित है ये सरकार और आगे भी रहने वाली है। ऐसे में और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार गंभीर है अगले 100 दिनों के लिए? देखिए, तीसरी बार लगातार सत्ता में आने से पहले ही आप देखें, चुनावों के ऐलान से पहले ही 100 दिन के एजेंडे पर काम शुरू हो गया था। एक तरफ बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मंत्रालय हैं, उनमें किन योजनाओं पर काम आगे बढ़ना है इसकी एक पूरी रूपरेखा तैयार हुई थी, और दूसरी तरफ जो जन कल्याण की योजनाएं हैं उनको कैसे रफ्तार देना है। उज्ज्वला के अलग अलग हम जानते हैं कि चरण आगे बढ़ रहे हैं कि कोई भी ऐसा घर न रहे जहां पर गैस कनेक्शन ना हो, एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंचे। उस दिशा में देखिए एक बड़ा प्रयास हमने देखा था, चुनाव के ऐलान से पहले ही शुरू हो गया था, और एक उल्लेखनीय उपलब्धि 2014 के बाद तो हम देख ही रहे हैं कि करोड़ों घरों को धुएं से आजादी मिली है। दूसरी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में तेजी और लानी है, ये बात बहुत स्पष्ट कर दी गई थी। और जब हमने देखा कि कल कैबिनेट में 3 करोड़ घरों को पीएम आवास के तहत बनाने की मंजूरी दी गई, ये दिखाता है कि किस तरह से तमाम परियोजनाओं पर मोदी सरकार आगे बढ़ना चाहती है। तो गरीब, युवा, किसान, ये प्राथमिकता है मोदी सरकार की, और नारी शक्ति, महिलाओं के कल्याण के लिए लगातार प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि चाहे वो लखपति दीदी हो या ड्रोन दीदी हो या स्वयं सहायता समूह के तमाम योजनाओं के जरिए महिलाओं को एक तरह से आर्थिक मदद देना हो, उनको ये सुनिश्चित करना हो कि वो अभी अपने दम पर कुछ पैसा कमा पाए। तो ये हम देख रहे हैं कि नारी शक्ति को बढ़ावा देने से जुड़े जो कार्यक्रम है उन पर जोर दिया जा रहा है। तो ये एक पूरी 100 दिन के एजेंडा अलग अलग मंत्रालयों को एक खाका गया था कि वो उस पर काम करें कि वो सत्ता में आने के बाद क्या करना चाहते हैं। तो ये हमने देखा कि अब तीसरी बार मोदी सरकार सत्ता में आ गई है, तो उस 100 दिन के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम अब शुरू हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, इन तमाम ताजा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू को गठबंधन दल ने अपना नेता चुन लिया है। इससे पहले टीडीपी विधायक दल की बैठक हुई जिसमें सभी ने नायडू को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी सहमति दी। यानी अब कल चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, उनके साथ कुछ और विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। उधर जनसेना ने भी आज पवन कल्याण को विधायक दल का नेता चुन लिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरेंद्र इस वक्त ग्राउंड जीरो पे ही हैं, विजयवाड़ा में इस वक्त वो मौजूद हैं। अमरेंद्र, जैसा कि हम देख रहे हैं तस्वीरों में और जैसा कि हमने कहा कि कल ये सरकार, चंद्रबाबू नायडू की सरकार वहां पे शपथ लेने वाली है, क्या कुछ ताजा अपडेट? अमरेंद्र, आप हमें सुन पा रहे हैं? असीम, देखिए अभी एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई जिसमें एक संयुक्त गठबंधन की मीटिंग। जी, मैं आपको बात पूरी कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले एक मीटिंग खत्म हुई है जो गठबंधन की, जिसमें उस गठबंधन की मीटिंग में न सिर्फ टीडीपी बल्कि जनसेना और भारतीय जनता पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायक थे। टोटल 164 की संख्या यहां पर थी और इस मीटिंग में कई सारे मुद्दों पर चर्चा की गई। सबसे पहले जिस तरह से एक सेपरेट मीटिंग हुई थी तीनों दलों की और उसमें चंद्रबाबू नायडू को टीडीपी ने अपने विधायक दल का नेता चुना, उसी तरह से जनसेना ने पवन कल्याण को अपना नेता चुना और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कुछ मुद्दों को डिस्कस करके वो एक संयुक्त मीटिंग में आए। और विजयवाड़ा के कन्वेंशन हॉल में एक मीटिंग थी, एक मैराथन मीटिंग कह सकते हैं, जो करीब तकरीबन 1.5-2 घंटे तक चली और जिसमें चंद्रबाबू नायडू ने इस मीटिंग को संबोधित किया। और उसके अलावा पवन कल्याण और डी पुंडेश्वरी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस मीटिंग को संबोधित किया, जो कि एक रोड मैप बनाने के लिए एक बैठक को रखा गया था। एक खासा अहम बैठक माना जा रहा था जिसके बाद ये माना जा रहा था कि आने वाले समय में जब कल 12 जून को मुख्यमंत्री के तौर पर चंद्रबाबू नायडू शपथ ले लेंगे तो सरकार का क्या रोड मैप रहेगा और किस तरह की
एक तस्वीर मंत्रिमंडल की होगी और मीटिंग के बाद जो तय हुआ उसमें साफ तौर पर ये जो बताया जा रहा है कि 25 लोग मंत्री सीएम के अलावा 24 मंत्री जो है कल शपथ लेने वाले हैं। शपथ का समय निश्चित कर दिया गया है 12 जून को 11:27 पर विजयवाड़ा के जो आईटी पार्क में है वहां पर एयरपोर्ट के पास का पार्क है वहां पर शपथ ग्रहण समारोह किया जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 10:40 पर विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर उतरेंगे और कार्यक्रम 11 बजे प्रारंभ हो जाएगा। 11:27 पर शपथ होगी और 12:40 तक ये पूरा कार्यक्रम चलने वाला है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी को उड़ीसा जाना है शपथ ग्रहण कार्यक्रम में तो वो यहां से रवाना हो जाएंगे। ये तो ये मोटी तौर पर एक बात थी और दूसरी एक अहम अपडेट मैं आपको बता दूं कि अभी जब इस मीटिंग में जो सारे मुद्दे तय हुए तो उसमें विकास का और जो सरकार का रोड मैप है उसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट चीज तय हुई कि कौन लोग वो हैं जो गवर्नर के पास जाएंगे और सरकार बनाने के लिए अपना दावा पेश करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी से जो डी पुंडेश्वरी हैं वो उस प्रतिनिधिमंडल में गई हैं। इसके अलावा अच्छम नायडू हैं जो तेलुगु देशम पार्टी के राज्य के अध्यक्ष हैं उस डेलीगेशन में गए हैं और पवन कल्याण की जगह एक टीडीपी के सीनियर लीडर हैं वो उस डेलीगेशन में गए हैं। तो 3 लोगों का डेलीगेशन अभी राज्यपाल एस अब्दुल नजीर साहब से थोड़ी देर पहले मिला है और उनको अपना समर्थन पत्र दिया है और ऐसा बताया जा रहा है कि अब शाम तक चंद्रबाबू नायडू जो है राज्यपाल से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा जो पेश किया गया है उस पर चर्चा होगी। ये तो फॉर्म हो गई गवर्नमेंट की बात लेकिन जो एजेंडा है जो मैंने आपको इससे पहले मैंने कई बार बताया है कि जो अंदर से जो मीटिंग के बाद जो मेरी कई विधायकों से बात हुई उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई एजेंडों पर बात हुई। चंद्रबाबू नायडू ने साफ तौर पर जो विधायक दल है और जो सारे पार्टी के लोग थे उनको कहा कि हमें किसी भी रिवेंज से काम नहीं करना है आने वाले समय में। हम बिना किसी राजनीतिक द्वेष से काम करेंगे और राज्य के विकास के लिए काम करेंगे। और पहला जो मुद्दा था उनका अमरावती को जो राष्ट्रीय जो आंध्र प्रदेश की राजधानी के तौर पर घोषित करने के लिए उस पर काम किया जाएगा क्योंकि जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने साल 2014 में अमरावती को राजधानी घोषित किया था और 5 सालों में जगन मोहन रेड्डी की वाईएसटीपी सरकार ने उसको उसके अलावा 2 और राजधानी अनाउंस कर दिया था जिसमें विशाखापट्टनम और कुरनूल था। लेकिन अब चूंकि दोबारा से चंद्रबाबू नायडू की सरकार कल शपथ लेने जा रही है तो पहला मुद्दा उनका राजधानी का एकल राजधानी के तौर पर घोषित करने का मामला है। दूसरा जो एक पानी की एक बड़ी समस्या थी गांव में जो पोडोलम एक परियोजना है यहाँ की उसको लगातार लागू किया जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर पे साफ तौर पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी और 100 दिन के एजेंडे पे तीनों दलों ने साफ तौर पर सहमति जताई है। और जनसेना की बात करें तो जनसेना भी पुरजोर तरीके से न सिर्फ चंद्रबाबू नायडू की नीतियों और जो सरकार के एजेंडा उसके साथ है बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरे तौर पर समर्थन दिया और एक उल्लास है क्योंकि कल शपथ ले रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं इस शपथ कार्यक्रम में मौजूद है तो यहां पर एक अलग उत्साह भी देखा जा सकता है क्योंकि एनडीए गठबंधन ने जिस तरह से राज्य में 164 सीटें जीती हैं 175 में से तो एक बड़ा मैंडेट है और कल एक बड़ी तस्वीर भी आज के बाद कल देखने को मिल सकती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपने बहुत ही विस्तार से बहुत ही अच्छे से हमारे दर्शकों तक ये सूचनाएं पहुंचाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमरेंद्र विजयवाड़ा समाज से जुड़े हुए थे और बता रहे थे किस तरह से जो सरकार की तैयारी है कल शपथ ग्रहण और एजेंडा क्या कुछ होगा अगले 100 दिनों का ये बिल्कुल ही स्पष्ट है तमाम पार्टियों की तरफ से। बढ़ेंगे आगे और इस सबके बीच आंध्र प्रदेश के टीडीपी विधायक रघुराम कृष्ण राजू ने निवर्तमान सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी पर हत्या का प्रयास समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उंडी से विधायक रघुराम कृष्ण राजू ने सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी सीआईडी प्रमुख पीवी सुनील कुमार और अन्य अधिकारियों पर प्रताड़ित करने हत्या के प्रयास हिरासत में यातना और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए हैं। टीडीपी विधायक का आरोप है कि ये घटना करीब 3 साल पहले यानी कि 2021 में हुई थी। और मिड डे प्राइम यहां रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए। You know it's only a drill and yet you train like it is the real thing because one day at a second's notice
It will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे ओडिशा की। ओडिशा में करीब ढाई दशक बाद सरकार बनने और बीजेडी को सत्ता से बेदखल कर यहां भारी बहुमत से बीजेपी ने अपना परचम लहराया है और जिसके बाद राज्य को भाजपा का पहला मुख्यमंत्री मिलेगा। इस सबके बीच बीजेपी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को ओडिशा का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है, जिनकी मौजूदगी में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और जिसमें मुख्यमंत्री का चेहरा चुन लिया जाएगा। पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों में से कुछ दिग्गजों को छोड़कर ज्यादातर नए चेहरे हैं और पहली बार विधानसभा में आ रहे हैं, लिहाजा कैबिनेट में शामिल किए जाने के पैमाने क्या होंगे ये भी देखना होगा। नई सरकार का शपथ ग्रहण 12 जून यानी कि कल होगा। चुनाव नतीजों की अगर बात की जाए तो इस बार बीजेपी ने यहाँ कमाल का प्रदर्शन किया है और 147 में से 78 सीटों पर जीत दर्ज कर बंपर जीत हासिल की है, जबकि सत्तारूढ़ दल बीजेडी 51 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। तो आज ओडिशा में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और इसी बैठक में कौन होगा राज्य का मुखिया, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे खास मेहमान एक जुड़ चुके हैं, हमारे साथ आशुतोष मिश्रा जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत डीडी न्यूज़ में। और जिस बात की चर्चा बीते कई दिनों से हो रही है कि ओडिशा ने वाकई कमाल कर दिया, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात की जाए या फिर विधानसभा चुनाव की बात की जाए, अब सबकी निगाहें ये होंगी कि अगला सीएम कौन होगा। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, वहां की राजनीति को काफी करीब से जानते और समझते हैं, क्या लगता है किसके चेहरे पर मुहर लगेगी? नहीं देखिए, यहाँ तो वाकई उत्साह बहुत है और पार्टी ने बहुत अच्छा किया है। लोकसभा में 21 में से 20 सीटें पाई पार्टी ने, विधानसभा में 78 सीटें पाई और पहली बार पार्टी स्थिति में आई है कि अपने बल पर सरकार बनाए। 2000 से 2009 तक भाजपा यहां सरकार में थी, लेकिन वो गठबंधन की सरकार थी, बीजू जनता दल के साथ गठबंधन की सरकार थी। ये पहली बार ऐसी स्थिति में है पार्टी जहां वो अपने बल पर सरकार बनाने जा रही है जी। इसीलिए बहुत उत्साह है लोगों में और पार्टी 78 मतलब एकदम क्लियर मेजोरिटी जो है पार्टी के पास है और ऐसा भी संभव है कि कुछ और विधायक जो है इंडिपेंडेंट जो चुने गए हैं उनमें से भी कुछ पार्टी के पास आ जाए, तो पार्टी ठीक बहुत अच्छी स्थिति में है। जहां तक मुख्यमंत्री के चुनाव का सवाल है, विधायक दल की बैठक जो है 4:30 बजे शुरू होने जा रही है, उसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक जो है अब राजनाथ सिंह जी, भूपेंद्र यादव जी पहुंचने वाले हैं, कई पार्टी के बड़े नेता जो है जैसे केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वो पहुंच चुके हैं यहाँ, दूसरे बड़े नेता भी पहुंच चुके हैं, तो तैयारियां पूरी हैं और केंद्रीय पर्यवेक्षक देखेंगे, विधायकों का मत लेंगे। जो बड़े नाम इस समय सामने आ रहे हैं मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए जी, तो उन बड़े नामों में जैसे एक नाम है ब्रजराजनगर से चुने गए हैं, जो वो पहली बार विधायक तो पहली बार चुने गए हैं सुरेश पुजारी जी, लेकिन इसके पहले वो सांसद रह चुके हैं बरगढ़ से। वैसे ही राज्य के सभापति जो है मनमोहन सांबल, उनका नाम भी सामने आ रहा है। पटनागढ़ के विधायक जो है केवी सिंहदेव, जो पहले मंत्री भी रह चुके हैं, उनका भी नाम आ रहा है। कुछ महिला विधायकों का भी नाम आ रहा है, ये सारे नाम आ रहे हैं इस समय। लेकिन मिश्रा जी, जो कार्यशैली रही है बीजेपी की, आप देखिए जो दूसरे राज्यों में जो चुनाव हुए हैं वहां पे बीजेपी ने ऐसे चेहरे को बिल्कुल सीएम नहीं बनाया जिसकी चर्चा मीडिया में हो रही थी, बिल्कुल ही नए चेहरे को। तो क्या लगता है कि बिल्कुल यही परिपाटी ओडिशा में भी दोहराई जाएगी कि बिल्कुल ही नए चेहरे को, यंग फेस को सीएम बनाया जा सकता है? ऐसा असंभव नहीं है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। हमने हाल में देखा है कि कई राज्यों में एकदम नया चेहरा, एकदम नया आदमी जो पहली बार विधायक बना, उसको उस पर पार्टी ने मतलब विश्वास किया और उसको मुख्यमंत्री बनाया। तो अगर यहाँ भी ऐसा हो तो यह असंभव नहीं है। मैं जिन नामों की चर्चा कर रहा था मैं सिर्फ इसलिए उनका नाम ले रहा था कि वो चर्चा में है नाम, लेकिन ये बहुत संभव है जैसा आप कह रहे हैं
कि एकदम किसी नए चेहरे को बना दिया जाए, एकदम युवा चेहरा हो या कोई महिला हो या जो कहते हैं दलित वर्ग का कोई नेता हो, ऐसे नेता भी हैं, आदिवासी नेता हो। कुछ समय तक पहले तो एक ऐसे आदिवासी नेता की बात चल रही थी जो चुनकर विधायक नहीं बने हैं लेकिन उनका नाम भी चल रहा था। तो ये बहुत संभव है कि शीर्ष नेतृत्व जो है पार्टी का वो किसी ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का जिम्मा दे जो कि हम सबको आश्चर्यचकित कर दे। लेकिन विधायक दल की बैठक जो है उसके लिए जब केंद्रीय पर्यवेक्षक बैठे गए भेजे गए हैं तो विधायक दल की बैठक होगी, लोगों का विचार जो है लोग अपना विचार व्यक्त करेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय जो है विधायकों के साथ साथ मुझे लगता है केंद्रीय नेतृत्व का भी हो। अच्छा मिश्रा जी, बात को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि अब देखिए अब तो आपने कहा कि 4:30 बजे के आसपास विधायक दल की बैठक होगी, उसमें पता लग जाएगा कि कौन होगा, लेकिन जो भी हो, जो भी सीएम बने ओडिशा का, हम जानते हैं कि 24 साल की बीजेडी सरकार को उखाड़ फेंकने में बीजेपी ने बहुत ताकत इस बार लगाई है, उसने इसलिए जो ये नतीजे आए हम सबके सामने हैं। ऐसे में आने वाले 100 दिनों का एजेंडा ओडिशा के लिए आप क्या देखते हैं, किस तरह की जो भी सरकार, जो भी सीएम बनेंगे उनके सामने क्या कुछ एजेंडा होगा अगले 100 दिनों का? देखिए सबसे बड़ा एजेंडा जो है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो नए मुख्यमंत्री होंगे उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि राज्य में जो विकास के काम चल रहे थे उन वो विकास के काम चलते रहे, उनकी निरंतरता बनी रहे, ये उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती हो। क्योंकि तो इसके पहले की सरकार, जैसा मैंने आपसे कहा कि 2000 से 2009 तक भाजपा यहां सरकार में थी लेकिन वो गठबंधन की सरकार थी, उस समय गठबंधन की सरकार ने भी कुछ निर्णय लिए थे जो निर्णय आज तक जारी हैं, जिन पर आज तक काम हो रहा है, तो उसमें भाजपा की भी हिस्सेदारी रही है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि उस समय कई बहुत अच्छे निर्णय भाजपा के मंत्रियों ने लिए थे जिसका बाद में बीजू जनता दल ने फायदा उठाया चुनाव जीतने में भी। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको जिनको जिनकी निरंतरता बनाए रखनी होगी पार्टी को और पार्टी के नेतृत्व को, नए मुख्यमंत्री को। और जैसा कि पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा, अपने घोषणा पत्र में कहा है, उन्होंने कुछ चीजों के खास तौर पर चर्चा की, जैसे उड़ीसा में आज तक जो केंद्र की जो स्वास्थ्य योजना है वो आज तक उड़ीसा सरकार ने लागू नहीं की थी, यहाँ बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना चल रही थी, आयुष्मान भारत योजना नहीं चल रही थी। तो यहाँ राज्य के जो प्रभारी, राज्य के जो दल के जो नेता है, मुख्य मुखिया है मनमोहन सामल ने, उन्होंने चुनाव जीतने के तुरंत बाद कहा था कि अब हमारी सरकार जो है आयुष्मान भारत को लाएगी, क्योंकि मिश्रा जी चूंकि समय की कमी है, आपसे एक सवाल ये कि इस सरकार के लिए, बीजेपी की सरकार जो कि गठित होने जा रही है ओडिशा में, संभावनाएं आपने कहा क्या कुछ एजेंडे है वो तो कहा, लेकिन चुनौतियां क्या कुछ होंगी, एक पत्रकार के नाते आपको क्या लगता है कि इस सरकार के सामने इमीडिएट चैलेंजेस क्या कुछ होंगे? सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने आपसे कहा कि विकास के कामों को चालू रखना, ये कहना बड़ी बात है लेकिन इसके लिए जो संबल जिसकी आवश्यकता है, तो आर्थिक संबल जो है, आर्थिक संबल जुटाना, क्योंकि हमने देखा है पिछले दिनों में कि उड़ीसा को बाहर की सहायता की, बाहर की मदद की, केंद्र की मदद की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती रही है जी। तो अपने अर्थ से, अपने संबल से इन योजनाओं को चालू रखना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और दूसरी चुनौती है कि पार्टी ने 78 सीटें जीती हैं। अगर आप क्लियर मेजोरिटी देखें 147 मेंबर्स के हाउस में, तो क्लियर मेजोरिटी होती है 74 की, बिल्कुल। अभी उनके पास 78 है, उनको अपने पार्टी को कोशिश करनी है कि भविष्य में ये संख्या और बढ़े और तृणमूल स्तर तक उनकी अपनी पार्टी को उनको और ज्यादा मजबूत बनाना है ताकि एक लंबे अरसे तक यहाँ उनकी पार्टी की सरकार चले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बढ़ेंगे आगे कुछ दूसरी अहम खबरों के साथ। नीट परीक्षा की बात की जाए तो नीट यूजी परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए को नोटिस जारी किया है, साथ ही काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि छात्रों की ओर से दायर की गई याचिका में पेपर लीक होने और मनमाने तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए जाने का आरोप लगाया गया है। इन आरोपों के आधार पर 5 मई को हुई नीट की परीक्षा को रद्द कर उसकी जगह नई परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई है छात्रों की तरफ से। हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त ताजा अपडेट के साथ मौजूद हैं। विकास, सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कहा कि हम अगली सुनवाई 8 जुलाई को करेंगे, लेकिन ये सारा मामला और जिस तरह से बच्चे कह रहे हैं कि दोबारा से इस परीक्षा को आयोजित करवाने की वो मांग कर रहे हैं,
ग्रेस मार्क्स को लेकर भी कह रहे हैं कि मनमानी तरीके से दिया गया। सुप्रीम कोर्ट किन किन बिंदुओं पर सुनवाई करेगा? जी असीम, बिल्कुल यही सारे मुद्दे उठाए गए हैं और ये याचिका असल में असीम जो नीट का पूरा परीक्षा हुई उससे पहले ही दाखिल कर दी गई थी और उस वक्त ये आशंकाएं जताई गई थी कि हर साल परीक्षा के बाद ये बात सामने आती है कि नीट का पेपर लीक हो गया या मार्किंग में गड़बड़ी है, इनको देखते हुए परीक्षाएं टाल दी जाएं और दोबारा परीक्षा कराने के लिए जो कड़े नियम है उनका पालन किया जाए। इसके बाद आपने देखा कि किस तरह 60 के आसपास स्टूडेंट्स के एक जैसे मार्क्स आए हैं और इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर सभी स्टूडेंट्स के एक जैसे नंबर कैसे आए हैं और वो भी एक खास सेंटर के। ये सारी बातें यहाँ पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से उठाई गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को ये देखना है कि क्या वाकई में नंबर्स देने में किसी तरह की कोई चूक हुई है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से, क्योंकि याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है और खास तौर से जो टॉप इंस्टीट्यूशन है, खास तौर से एम्स में अगर किसी को दाखिला चाहिए जहां पर 50 के आसपास सीट हैं जो अनरिजर्व सीट हैं, तो ऐसे में कैसे दाखिला मिलेगा बच्चों को अगर उसमें सभी 50 से ज्यादा बच्चों के एक जैसे नंबर आते हैं। दूसरा यहां पर पहलू यह है कि कोर्ट ने ये बहुत ही संक्षिप्त टिप्पणी की असीम कि हम मेरिट्स में नहीं जा रहे हैं, लेकिन एनटीए का जो एनटीए को यह देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं परीक्षा की जो प्रतिष्ठा है या गरिमा है उस वो प्रभावित हुई है, तो ऐसे में एनटीए को जवाब देना होगा कि ये इस तरह की बातें क्यों आ रही हैं। किसी भी परीक्षार्थी के मन में संदेह नहीं होना चाहिए, देश के जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें दाखिला नीट के जरिए होता है, इसीलिए कहीं पर भी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश या यहां तक की शिकायत उसका भी कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की जो नियमित बेंच है, क्योंकि अभी अवकाशकालीन बेंच सुनवाई कर रही है, वो ज्यादा लंबी सुनवाई ये बेंच नहीं करती है ज्यादातर मामलों में, लेकिन अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी। काउंसलिंग पर रोक नहीं है, प्रक्रिया उसी तरह असीम जारी रही। लेकिन विकास, हम ये भी जानते हैं कि एनटीए ने इंटरनल इंक्वायरी के लिए क्या कुछ हुआ इसके लिए एक कमेटी गठन कर दिया गया उनकी तरफ से, जो कि एक हफ्ते में वो अपनी रिपोर्ट भी सौंपने वाली है, तो क्या लगता है कि इस रिपोर्ट को भी एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा और फिर उस आधार पर, चूंकि जो बच्चे कह रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, लाखों परीक्षार्थी शामिल हुए थे और इसमें से 1600 बच्चों का ही ये सारा मामला है, तो आपको क्या लगता है कि एनटीए चाहेगी कि ये परीक्षा रद्द हो, फिर दोबारा नए सिरे से एग्जाम हो? देखिए एनटीए बिल्कुल जो आप बता रहे हैं आंतरिक समिति बनाई है, उसकी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। एनटीए के पास अभी काफी समय है, उनको 8 जुलाई से पहले ही अपनी पूरी रिपोर्ट्स देनी है, खास तौर से इवैल्यूएशन कैसे हुआ, ग्रेस मार्क्स कैसे दिए गए हैं, कुछ सेंटर्स पर पेपर देरी से पहुंचा इसके चलते वहां पर ग्रेस मार्क्स दिए गए, अभी तक एनटीए का दावा है, तो ये पूरी कौन सा किस प्रोसीजर से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, किन बच्चों को दिए गए हैं, ये सारी चीजें हम उम्मीद कर रहे हैं कि एनटीए जब अपना जवाब दाखिल करेगा सुप्रीम कोर्ट में तो ये सारा ब्यौरा दिया जाएगा। और तब तक ये भी उम्मीद है कि जो इंटरनल कमेटी गठित की गई है वो उसकी भी रिपोर्ट तैयार होगी, क्योंकि 8 जुलाई में अभी काफी वक्त है, एनटीए के पास पर्याप्त समय है एक अपनी पूरा ब्यौरा देने का, पूरी रिपोर्ट देने का कि ये जो शिकायतें हैं, ये आरोप हैं, आखिर इनमें कितनी सच्चाई है, क्या परीक्षा पूरी तरह से किसी भी गड़बड़ी के बिना हुई है, ये सारी बातें एनटीए 8 जुलाई से पहले कोर्ट में रखेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, इन तमाम ताजा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे पप्पू यादव की। जी हाँ, बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ चुनाव जीतने के 6 दिनों के बाद ही एक केस दर्ज हो गया है। पूर्णिया के एक बड़े फर्नीचर व्यवसायी ने पप्पू यादव पर 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है। पूर्णिया पुलिस के मुताबिक पीड़ित फर्नीचर व्यवसायी ने शिकायत में बताया है कि 4 जून को मतगणना वाले दिन पप्पू यादव ने उसे अपने घर बुलाया था। जब वो व्यवसायी पप्पू यादव के घर पहुंचा तो उन्होंने उनसे 1 करोड़ रुपए देने के लिए कहा। बढ़ेंगे आगे, झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आलमगीर आलम ने कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा दे दिया है। 3 सप्ताह पहले आलमगीर को रांची के एक कोर्ट ने 6 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया था। रांची में आलमगीर आलम के परिसरों से छापेमारी में 35 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद हुई थी। उनके निजी सचिव संजीव लाल और घरेलू सहायक जहांगीर आलम को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। राज्य सरकार ने बीते शुक्रवार को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर आलमगीर आलम को आवंटित किए गए सभी संसदीय कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभागों को वापस ले लिया था। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली को जल संकट से निजात दिलाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री से बातचीत की है। अपनी चर्चा के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि कल
हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से बात हुई। उन्होंने दोहराया कि दिल्ली को आवंटित हिस्से के अनुसार पानी उपलब्ध कराया जा रहा है और चल रही गर्मी की लहर के कारण राज्य की अपनी बाधाओं के बावजूद हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कल दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की थी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को आश्वासन दिया था कि वो इस विषय में हरियाणा से बातचीत करेंगे। बात योग दिवस की, 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब महज 10 दिन ही बचे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर योग को लेकर अपने मन की बात की है। उन्होंने कहा है कि अब से 10 दिन बाद दुनिया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगी, जो एकता और सद्भाव का जश्न मनाने वाली एक शाश्वत प्रथा है। योग ने सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाओं को पार कर लिया है और समग्र कल्याण की खोज में दुनिया भर में लाखों लोगों को एकजुट किया है। साथ ही पीएम ने एक्स पर एक और पोस्ट कर विभिन्न योग आसनों के वीडियो उन्होंने साझा किया और लिखा कि मुझे उम्मीद है कि यह आप सभी को नियमित रूप से योग का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करेगा। आइए देखते हैं उन्हीं वीडियो में से एक वीडियो जिसमें ये सिखाया जा रहा है वृक्षासन। वृक्षासन, वृक्ष का अर्थ है पेड़। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति एक वृक्ष के समान स्थिर, तनी हुई और मजबूत हो जाती है। सबसे पहले अपने पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखकर सीधे खड़े हो जाएं। अपनी आंखों के सामने किसी एक बिंदु पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए एक गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए सावधानी से अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए धीरे से ऊपर उठाएं और उसके पंजे को अपने बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रख दें। एक बात का विशेष ध्यान दें कि आपकी एड़ी आपके मूलाधार क्षेत्र से सटी हुई हो। एक बार इस स्थिति में स्थिर हो जाने के बाद एक गहरी सांस लेते हुए धीरे से अपनी बाहों को फैलाएं और उन्हें आहिस्ता से अपने सर के ऊपर ले जाते हुए नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें और 10 से 30 सेकंड तक खड़े रहें। ये आसन मस्तिष्क में संतुलन, स्थिरता और सजगता को बढ़ाता है। वृक्षासन आपकी न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाता है। इस आसन से पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है। यदि आप गठिया, चक्कर या मोटापे से पीड़ित हों तो कृपया ये आसन ना करें। 10 से 30 सेकंड तक वृक्षासन में खड़े रहने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आएं। अब अपने दाएं पैर को आहिस्ते से नीचे रखकर सीधे खड़े हो जाएं। एक गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। और अब पूरे क्रम को अपने बाएं पैर से दोहराएं। वृक्षासन आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को भी तंदुरुस्त बनाता है। इस आसन से आपके मस्तिष्क की सजगता बढ़ती है और आप अपने काम को एकाग्रता से करने में सक्षम बनते हैं। तो 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हम सभी पूरा देश और विदेश इसके लिए तैयार हैं। बढ़ेंगे आगे। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए 1,39,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के टैक्स हस्तांतरण की किस्त जारी कर दी है। इसे मिलाकर मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक केंद्र की तरफ से 2,79,500 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं। इससे राज्यों को विकास और पूंजीगत व्यय में तेजी लाने में मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में कुल 12,19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर हस्तांतरण का प्रावधान किया गया था। फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा एक वित्त वर्ष में इकट्ठे किए गए कुल टैक्स में से 41% राज्यों के बीच 14 किस्तों में बांट दिया जाता है। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 25,069.88 करोड़ रुपए मिले हैं। दूसरे नंबर पर बिहार को 14,056.12 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश को 10,970.44 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो मई में इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिकॉर्ड 34,697 करोड़ रुपए का निवेश आया है, जो कि पिछले महीनों के मुकाबले 83% अधिक है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के मुताबिक ये लगातार 39वां महीना है जब म्यूचुअल फंड निवेश में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जानकारों का मानना है कि ज्यादा निवेश सेक्टोरल और थीमेटिक कैटेगरी में आया है। गौरतलब है कि ये पहला मौका है जब म्यूचुअल फंड्स में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आया है। मई में ओपन एंडेड सेक्टोरल और थीमेटिक इक्विटी फंड्स में सबसे ज्यादा 19,213 करोड़ रुपए का निवेश आया। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़कर करीब 59,00,000 करोड़ रुपए हो गई है। SIP से मासिक योगदान बढ़कर मई में 20,904 करोड़ रुपए हो गया, जो कि अप्रैल में 20,371 करोड़ रुपए था। इन योजनाओं में मासिक निवेश लगातार दूसरे महीने 20,000 करोड़ से अधिक है, जो कि दिखाता है कि निवेशकों का भरोसा लंबी अवधि के निवेश में अधिक है। इसकी वजह भारतीय अर्थव्यवस्था का मजबूत स्थिति में होना है, जिसके कारण निवेशकों का लगातार भरोसा बढ़ता जा रहा है। और स्विस ब्रोकरेज फर्म UBS